A very warm welcome to another vlog by the Indian Sailor. Wait a minute, आपका warm welcome तो हो गया, but ship पर कोई भूत आ गया क्या? जो सामान अपने आप इस तरह से हिल रहा है? नहीं guys, ये भूत का काम नहीं है, ये weather खराब होने की वजह से ship roll कर रही है. So आज के vlog में आपको देखने को मिलेगा rough weather at sea, यानी कि खराब मौसम की वजह से हमें क्या परेशानी झेलनी पड़ती है और किस तरह से हम उसे tackle करते हैं. So ship काफी ज़्यादा हिल सकती है in bad weathers, especially तब जब शिप खाली होती है और हम शिप पर कोई कार्गो कैरी नहीं कर रहे होते हैं, जिसे शिपिंग टर्मिनोलॉजी में बलास्ट पैसेज कहते हैं. और इस बलास्ट पैसेज में शिप काफ़ी लाइट हो जाती है और ज़्यादा रोल होना शुरू हो जाती है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन, शिपिंग टर्मिनोलॉजी में शिप के साइडवेज हिलने वाले मोमेंट को रोल कहते हैं, और जब आगे और पीछे से शिप ऊपर नीचे जाती है उसे पिचिंग कहते हैं. तो ये दोनों रोलिंग और पिचिंग मिलकर आपको काफ़ी हिचकोले देके जाता है और काफ़ी लोगों की तबीयत तक खराब हो जाती है. सो आगे आप शूट करे गए वीडियो में ये सब समझ सकते हैं, जितना भी अभी तक मैंने इस वीडियो में बताया है. सो गाइस, मौसम हो रहा है बहुत ज़्यादा खतरनाक, एंड आई जस्ट वांटेड टू शो यू हाउ रफ द सी कैन बी, एंड दिस वीडियो विल शो यू हाउ रफ द सी कैन बी. काफ़ी ज़्यादा रोलिंग हो रही है शिप में, ये देखिए बहुत ज़्यादा विंड चल रही है. विंड भी बहुत अच्छी खासी विंड है, विंड फोर्स भी अच्छी खासी है, स्वेल बहुत ज़्यादा है. देख सकते हैं आप कितनी ज़्यादा मिल रही है. देख रहे हैं सनसेट हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू सी. सनसेट आप देख सकते हैं पीछे ऑन द कैट साइड, यू कैन सी सनसेट होने वाला है और कितनी ज़्यादा शिप हिल रही है इधर से उधर उधर. सो दिस इज़ द थिंग, वेदर बहुत ख़राब है एंड दिस इज़ द वेदर वी गेट, एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ सेलर्स लाइफ. बैड वेदर समटाइम गुड वेदर, गुड वेदर इज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस, एंड बैड वेदर तो बैड वेदर ही है यार, काफ़ी परेशानी हो जाती है आदमी को, बट वी हैव टू मैनेज विद इट. एंड अब तो आदत भी हो गई है इस चीज़ की, सो इट इज़ ओके. एंड ठंड भी है ही थोड़ी बहुत. राइट नाउ वी आर क्रॉसिंग अटलांटिक अगेन एंड वी आर गोइंग फ्रॉम एम्स्टरडैम टू रियो हाइना, दैट इज़ इन कैरेबियन, डोमिनिकन रिपब्लिक. वहाँ पे है अपना ये रियो हाइना, एंड देखिए सनसेट पूरा बैठ चुका है. एंड देख रहे हैं आप शिप कितनी ज़्यादा हिल रही है. बेसिकली शिप काफ़ी बड़ी शिप है, ये छोटी शिप नहीं है. स्टिल जो रोलिंग है कितनी ज़्यादा है अटलांटिक में. आप और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मतलब दुनिया में पता नहीं कितने जहाज चल रहे हैं, बट अपना जो अपने समुंदर हैं, जो अपने ओशंस हैं, वो इतने वास्ट हैं कि मतलब दे आर लाइक नेवर एंडिंग मैन. सो आपको जो आसपास जो है, यू कांट सी इवन अ सिंगल शिप, यानी कि आप पूरा होराइजन दिखाई दे रही है. दिस इज़ अ बिट डिफरेंट थिंग, मतलब ये आप सोच नहीं सकते कि आपके आसपास कोई शिप ही नहीं है. एंड ऐसा ही रहता है, मतलब शिप पे आसपास कोई शिप नहीं दिखाई देती है, मीलों मील आप चलते जाते हो. पता नहीं कितने मील हम लोग क्रॉस कर चुके हैं वाइल क्रॉसिंग अटलांटिक, इट्स अ लॉन्ग जर्नी. सो दिस इज व्हाट इट इज़. एंड मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि वेदर कितना रफ हो सकता है, सी कितना रफ हो सकता है. ये बहुत ज़्यादा नहीं है, वुड से इससे भी ज़्यादा अभी आपको मिलेगा. अभी अराउंड 7-8-10 डिग्री तक का रोल होगा, 15-16-18 डिग्री 20 डिग्री तक भी जाती है शिप. ये देखिए आप जो रोल हो रहा है यहाँ पे, सो दैट इज़ व्हाट इज़ इट. सो गाइस वही है, अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है, ये चीज़ें अच्छी लग रही हैं, विच इज़ आई थिंक डिफरेंट एंड न्यू फॉर ऑल ऑफ यू. सो प्लीज़ चैनल को मतलब लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, डू शेयर इट विद ऑल योर बॉडीज एंड फ्रेंड्स जो भी हैं, टू शो द डिफरेंट साइड ऑफ लाइफ, ये शिप पे आदमी कैसा रहता है. सो ये तो था इस दिन का वेदर, एंड कुछ दिन बाद रात को वेदर अगेन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुआ था, एंड आई वॉज रेडी विद माई कैमरा टू शूट इट एंड शो यू. आज मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, दैट इज़ अबाउट रोलिंग ऑन शिप्स. सो रोलिंग होती कब है, जब देर इज़ अ बैड वेदर आउटसाइड, तब रोलिंग होती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग इज़ सिक्योर्ड ऑन शिप, मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक सोफ़ा वगैरह आप देखेंगे वो सिक्योर करके रखा जाता है, क्योंकि शिप काफ़ी ज़्यादा हिलने लग जाती है. एंड ये तब होता है जब शिप जो है ब्लास्ट में रहती है. ब्लास्ट मीन्स देर इज़ नो कार्गो इन द शिप. तो जब शिप खाली रहती है तो ये मैक्सिमम आपको इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा. व्हेन इट इज़ लोडेड तो आपको कम देखने को मिलेगा. तो अभी भी रोलिंग हो रही है, तो आप देख सकते हैं व्हाट इज़ द कैसे होती है रोलिंग, ये देखिए आप. सो दिस इज़ बिकॉज ऑफ रोलिंग, सब कुछ सामान जो है इधर से उधर आके पड़ा हुआ है. यहाँ पर भी काफ़ी वो हुआ था, एंड अभी हल्की हल्की हो रही है, नॉट टू मच. एंड इफ़ यू सी दिस, सोफाज आर सिक्योर्ड, ये सोफे को यहाँ पे सिक्योर करा गया है. तो ये सोफ़ा आपको सिक्योर्ड दिख रहा है यहाँ पे, ये देखिए, नाउ यू कैन सी. तो जो अभी मेरे केबिन की हालत है, ये मैंने नहीं करी है,
सब इधर से उधर उधर से इधर हो रखा है, बट दिस इज नॉट डन बाय मी, दिस इज डन बाय द मदर नेचर एंड द वेदर. बहुत बुरे हाल हैं भाई, बहुत ज़्यादा रोलिंग हो रही है, बीच बीच में कम हो रही है, बट उसके बाद अगेन इट इज स्टार्टिंग लाइक एनीथिंग. सब कुछ बिखरा पड़ा है, यू कैन सी ये सब टेबल वगैरह. सो ये अभी हिल रहा है, देखिए आप कैसे हिल रहा है. एंड इट इज डेंजरस ऑल्सो इफ सम ऑफ द थिंग्स आर नॉट लैश्ड. सो जो मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे ये सोफे वगैरह लैश करके रखते हैं सो दैट कुछ हिले ना. एंड टेबल भी एक्चुअली वी कैन लैश एंड आई शुड लैश, तो टेबल मैं बाद में लैश कर दूंगा. आई विल लैश फ्रॉम हेयर, यहाँ से टेबल लैश हो जाएगी अपनी सो दैट टेबल डजंट मूव. एंड सो यही रोलिंग है जो रोलिंग शिप पे होती है, बहुत ज़्यादा शिप हिलती है, बहुत ज़्यादा. सो दिस इज़ वन ऑफ द मोर थिंग जो आपको शिप पे एक्सपीरियंस करने को मिलेगी एंड मेक्स योर जॉब मोर अ बिट मोर डिफ़िकल्ट. एंड काफ़ी लोगों को इसमें काम नहीं हो पाता. आई हैव सीन मैनी पीपल हैविंग फेसिंग प्रॉब्लम इन दिस काइंड ऑफ वेदर. आई एम नॉट वन ऑफ देम बिकॉज मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है इस काइंड ऑफ वेदर से. आई कैन वर्क एंड आई एम क्वाइट नॉर्मल, बट काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है एंड दैट इज़ नेचुरल. ऐसा कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है, बट दिस इज़ पार्ट ऑफ अवर जॉब सो वी हैव टू डू इट. तो देखिए आप चेयर भी कहाँ चली गई है, ये बॉटल्स सारी वहाँ थी वहाँ से यहाँ आ गई हैं, टेबल वहाँ थी यहाँ से यहाँ आ गई है, बट टेबल आई विल लैश. टेबल लैशिंग का काम शुरू करते हैं बिकॉज आई डोंट वांट दैट टू. सो ये देखिए टेबल तो हमारी लैश कर दी मैंने, तो एटलीस्ट टेबल अब मूव नहीं होगी. बट देखिए पानी की बॉटल्स का भी कुछ अरेंजमेंट किया जा सकता है, नॉट अ बिग प्रॉब्लम. वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है बिकॉज एज आई सेड वी आर इन ब्लास्ट, कार्गो नहीं है शिप पे, खाली शिप है एंड वी आर गोइंग फॉर लोडिंग इन US. सो दिस इज़ द थिंग. सो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग रहा होगा यहाँ पे कि रोलिंग क्या होती है. बाथरूम के हाल भी बहुत बुरे होंगे, पता नहीं क्या गिरा हुआ है इधर, स्टिल लुकिंग ओके. ये देख रहे हैं ना आप, ये अपने आप लोग लगेगा भूत है क्या क्या है, बट दिस इज डन बाय मदर नेचर. देख सकते हैं आप मेरी बेड पे भी हालत थोड़ी ख़राब सी लग रही है, शिप हिल रही है काफ़ी. क्वाइट अ बैड सिचुएशन. ये बाल्टी भी बॉडी खतरनाक है, बाल्टी प्लस बोटल सोचा सिक्योर. अब देखिए अब थोड़ा और ज़्यादा शिप हिलना चालू हो गई है. सो यस देखिए आप क्या हालत हो रही है यहाँ पे, ये देखिए कांट डू मच अबाउट इट, वी हैव टू लिव विद इट एंड वर्क विद इट. एंड आपको काम भी करने पड़ते हैं कई सारे इन द सेम वेदर एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, नहीं तो डेंजरस हो सकता है, इट कुड बी वेरी डेंजरस. सो यू कैन सी अभी कितनी है लगी शिप, ये देखिए ये देखिए.
बेसिकली हालत काफ़ी बुरी है आज, जो वेदर की हालत है, नींद आएगी नहीं आएगी पता नहीं भाई, लेट्स सी। सो इसी बुरे वेदर में क्या होता है कि मैं आपको एक डिटेल में चीज़ समझाता हूँ वापस। अभी आप ये बेड देखेंगे, आप बेड कैसे है, ऐसे है बेड। सो इफ़ आई स्लीप लाइक दिस और शिप ऐसे ऐसे हो रही है, इसको बोलते हैं रोलिंग, तो इसमें सोने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। सो व्हाट वी डू, इसका सोल्यूशन है, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती बट काफ़ी लोगों को पड़ती है। ये जो सोफ़ा है ये आपका इस डायरेक्शन में है, सो अगर शिप ऐसे और ऐसे रोल भी होगी तो यू कैन ईजिली स्लीप लाइक दिस, मतलब आपका ऐसा मोमेंट नहीं होगा जो बेड पर होता है। सो मैनी पीपल सोफ़ा यूज़ करते हैं इस टाइप के वेदर में, बट आई मैनेज ऑन माई बेड, सो मुझे उसमें दिक्कत नहीं होती है। सो यही सिचुएशन है, देख सकते हैं आप, क्वाइट बैड, नॉट वेरी बैड, इससे भी मैंने बुरी सिचुएशन देखी हुई है, बुरे वेदर देखा हुआ है, बट क्वाइट, मतलब ये आप लोगों के समझने के लिए इनफ है कि कैसा वेदर रहता है। तो ये देखिए आप बैड वेदर में क्या हो रहा है, कैसे चीज़ें मूव कर रही हैं। वापस थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है बट ये चलता रहेगा, रात भर चलता रहेगा। इट वॉज क्वाइट अ बैड वेदर, सब गिरा पड़ा 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 है भाई, इसको बंद करो। सो आई होप यू एंजॉयड दिस व्लॉग टू, एंड आपको पता लगा होगा शिप पर वेदर कितना ज़्यादा ख़राब हो सकता है। सो डेफिनेटली शिपिंग इज नॉट एन ईजी जॉब, बट वर्किंग इन मर्चेंट नेवी हैज इट्स ओन पर्क, जिसके ऊपर मैं आगे वीडियोज जरूर लाऊंगा। सो मोर सच इंटरेस्टिंग कंटेंट विल बी कमिंग इन फ्यूचर। इफ यू लाइक द व्लॉग डू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट, एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन, वरना ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस कर सकते हो। सो स्टे सेफ, स्टे होम, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग द इंडियन सेलर।